अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिचिंग विद ग्रीन गर्ल। आज की वीडियो में मैं आपको बेल बॉटम ट्राउजर की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ट्राउज़र बनाने के लिए मैंने ऑरेंज कलर का कपड़ा लिया है। ये हमारा डायमीटर कपड़ा है और ये लीलन में कपड़ा है। अब मैं अपने कपड़े को इस तरह से फुल खोल के आपको बताऊँगी कि हम इसे किस तरह से तय लगा कर रखेंगे और फिर बाद में इसकी किस तरह कटिंग करेंगे। आपने अपने कपड़े को इस तरह से फुल खोल लेना है और खोलने के बाद इसकी दोनों कनियों वाली साइडों को देखिए इस तरह से हम आपस में मिला लेंगे और इस तरह मिलाते हुए हम इसे प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने से हमारी तय भी अच्छी तरह बैठ जाएगी और इसमें जो सिलवटें हैं वो भी हमारी निकल जाएंगी। इसी तरह हम लेंथ में अपने टोटल कपड़े को प्रेस कर लेंगे और टोटल कपड़े को प्रेस करने के बाद इस लेंथ में से इसे हाफ में से फोल्ड करेंगे और इस तरह एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। ये देखिए जैसे मैं अब रख रही हूँ, इस तरह हम इसे एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और उसके बाद मैं आपको कटिंग करना बताती हूँ। इस तरह ये हमारी चार तहें बन जाएगी, 1, 2, 3 एंड 4, और इसकी हम कटिंग करेंगे। चले अब पहले मैं प्रेस करती हूँ, उसके बाद कटिंग करना बताती हूँ। व्यूअर्स, अब ये देखें मैंने अपने कपड़े को प्रेस करके रख लिया है। ये देखें इसकी हमारी एक तह नीचे है और एक तह ऊपर है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं इसके फ्रंट और बैक पैनल दोनों सेम ही कटिंग करूंगी, यानी कि एक ज़्यादा और कम नहीं कटिंग करूंगी, क्योंकि अगर हम उसे जिस तरह पैंट की कटिंग करते हैं ज़्यादा या कम कटिंग करूंगी तो आपको समझने में बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है, माप लेने में कन्फ्यूजन हो जाती है। इस तरह मैं फ्रंट और बैक के पैनल बिल्कुल इक्वल कटिंग करूँगी, उसके बावजूद भी हमारी शेप बहुत अच्छे से और परफेक्ट आएगी। चले मैं अब आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। कटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले ऊपर 2 इंच पे निशान लगाना है। ये 2 इंच हम छोड़ेंगे अपने नेफे की फोल्डिंग के लिए। ये देखें ये हमारा अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा, ये हमारा लेंथ में शुमार नहीं होता, इसलिए मैं अपने इस चाक के निशान से एक सीधी लाइन खींच लूँगी ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे और अच्छे से समझ आ जाए। ये देखें ये मैंने 2 इंच ऊपर छोड़ दिया है नेफे की फोल्डिंग के लिए। ये नेफे की फोल्डिंग के लिए छोड़ने के बाद ये देखें मैंने 2 इंच छोड़ा है। उसके बाद आपको यहाँ से नीचे आपकी जितनी लेंथ होगी आपको वो मार्क करनी है। जैसे कि मेरी लेंथ है 37 इंच, यानी कि 37 इंच, तो यहाँ पे अब मैं ये देखें 37 इंचेस पे निशान लगाऊंगी। ये देखें मैंने 37 इंच पे निशान लगाया और इस निशान को भी हम इस तरह से सीधी लाइन में खींच लेंगे। ये देखें इस तरह से 37 इंच को भी खींच लिया। और इसके बाद आपको नीचे फोल्डिंग के लिए, यानी कि जो पोंचे के अंदर की तरफ कपड़ा फोल्डिंग होता है उसके लिए भी ये देखें मैं स्केल की मदद से मज़ीद कपड़ा छोड़ी हूँ। ये कपड़ा आप 2 या 2.5 इंच छोड़ सकते हैं। मैं आपको अपना कपड़ा दिखा देती हूँ, मेरा कपड़ा 2 इंच होगा। 2 इंच ऊपर से नेफे के लिए छोड़ा, उसके बाद आपको अपनी टोटल लेंथ जितनी है वो मार्क करनी है। और लेंथ मार्क करने के बाद नीचे बॉटम की फोल्डिंग के लिए देखें मैंने तकरीबन 2.25 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा है। इस तरह से पहले आपको ये 3 निशान लगाने हैं, उसके बाद आपको क्रोच और वेस्ट वगैरह के निशान लगाने हैं। अब जो हम अगला निशान लगाएंगे वो हम अपने क्रोच यानी कि आसन का लगाएंगे। आपका जितना क्रोच हो आपको उससे 2 इंच कम लेने हैं। जैसे कि मेरा क्रोच 14 इंच है, तो उससे जब हम 2 इंच कम लेंगे तो वो बनेगा 12 इंच, क्योंकि बाद में जब उसके हम कर वाला हिस्सा बनाते हैं तो उससे उसमें हमारा 2 इंच कवर हो जाएगा। मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। अब ये देखें 14 इंच है, तो उससे 2 इंच कम लेंगे तो ये 12 इंच बनेगा, इसलिए ये देखें 12 इंच पर मैंने निशान लगा लिया। और वहाँ पे आगे भी हम 12 इंच पे निशान लगा लेंगे। देखें इस तरह से 12 इंच पे निशान लगाने के बाद इन निशानों को भी इस तरह से हम एक सीधी लाइन में खींच लेंगे। व्यूअर्स, ये देखें इस तरह से सीधी लाइन में खींच लिया। सीधे लाइन में खींचने के बाद आपको सबसे पहले ऊपर वेस्ट का निशान लगाना है। वेस्ट को आप अपनी कमर के 1/2 इंची टेप को रखते हुए माप सकते हैं। जैसे कि मेरी वेस्ट है 40 इंच, उसको हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो उसका चौथा हिस्सा आएगा 10 इंच। आपकी जितनी भी वेस्ट हो आप उसको 4 पे डिवाइड कीजिएगा और उसके चौथे हिस्से में आप 3 इंच प्लस कीजिएगा। मैं जब 10 इंच में 3 इंच प्लस करूँगी तो ये हमारे बनेगा 13 इंच। इसमें मैं कटिंग के लिए भी, यानी कि जो सिलाई का कपड़ा होता है वो भी ले रही हूँ। आपको इसके अंदर मज़ीद 3 इंच प्लस करने के बाद सिलाई का कपड़ा ऐड करने की ज़रूरत नहीं। अगर हम वैसे कपड़ा ऐड करते तो वो 2 इंच होता और सिलाई का डाल के हमारा हुआ 3 इंच, यानी कि 13 इंच। आपका जितना भी चौथाई हिस्सा है उसमें 3 इंच प्लस कीजिएगा। और अब ये देखें ये मैंने 13 इंच पे निशान लगा लिया है और एक सीधे लाइन खींच ली है। सीधी लाइन खींचने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपनी थाई का, यानी कि आपको अपनी रान का निशान लगाना है। हमारी रान है 32 इंच थाई, यानी कि 32, उसका हाफ हुआ 16 इंचेस। ये देखें यहाँ पे 16, और इसमें मैं 1 इंच प्लस करूँगी क्योंकि आधा इंच हमारा दोनों साइडों पर से सिलाई में जाएगा, आधा इंच नाली की साइड पे और सिलाई में जाएगा और आधा इंच इस तरफ, इसलिए मैंने 17 इंच पे निशान लगा लिया है। और अब यहाँ पे मैं इसे इस तरह गुलाई की शेप दे लूँगी। बस ये देखें मैंने ये इसे
गोलाई की शेप दे ली। और अब मैं आपको अपना आसन माप के भी दिखाती हूँ कि हमारा आप देखिएगा 14 इंच पूरा हो जाएगा। यहाँ से देखें इस तरह जब मैं गोलाई में अपना आसन लेके आऊँगी तो ये 14.5 बन रहा है, क्योंकि इस साइड पे आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। उसके बाद हमारा 14 इंच आसन बिल्कुल रेडी हो जाएगा नेफे को छोड़कर। ये देखिए इस तरह से आपका जितना भी हो आप उससे 2 इंच काम लीजिएगा। और इस तरह गुलाई में आपने माप लेना है कि आपका आसन पूरा होना चाहिए, उसके बाद ही आपको कटिंग करनी। मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूँ, यहाँ पे हमारा जो थाई थी उसे हमने 2 पे डिवाइड किया, 32 का हाफ 16 इंच हुआ। और उसमें 1 इंच हमने मज़ीद प्लस किया है सिलाई के लिए, क्योंकि आधा आधा इंच दोनों साइड से हमारा सिलाई में दब जाएगा। और उसके बाद ये देखें हमने गुलाई में अपने आसन को मापा जो कि 14.5 है, आधा इंच हमारा यहाँ से आसन की सिलाई में चला जाएगा। उसके बाद 14 इंच हमारा बिल्कुल तैयार रहेगा, ये देखें इस तरह काट लिया। उसके बाद ये जो आपका 17 इंचीज़ है, ये आपका जितना भी आए आपको इसका हाफ कर लेना है। जैसे कि मेरा 17 इंच का हाफ आएगा 8.5 इंच, इसलिए मैंने 8.5 इंच पर यहाँ पर भी निशान लगाया, 8.5 इंच पर मैं ऊपर भी निशान लगा लूँगी, और 8.5 इंच पर ही मैं यहाँ पर बॉटम पर भी निशान लगा लूँगी। ये देखें ये इस तरह से हम अपने ट्राउज़र का हाफ करेंगे। ये देखें इस तरह से 8.5 इंच पे मैंने बॉटम पे भी निशान लगाया है और यहाँ पे भी। और इसे अब हम इस तरह ऐसे एक सीधी लाइन में इस तरह से खींच लेंगे। ये देखें इस तरह मैंने ये सीधी लाइन में खींच लिया। सीधी लाइन में खींचने के बाद आपको क्या करना है, सीधी लाइन में खींचने के बाद आपको अपना ऊपर वाला हिस्सा यानी कि नेफे को छोड़ते हुए यहाँ पर नीचे आपको 20 इंच पर निशान लगाना है, जहाँ पर हमारा घुटना आएगा यानी कि ऊपर जो नेफे का अंदर की तरफ कपड़ा फोल्ड होना है वो 2 इंच का कपड़ा हम छोड़ देंगे। और उसके बाद जो हमारी लेंथ है उससे नीचे आपको 20 इंच पे निशान लगाना है। ये देखें मैंने 20 इंच पे निशान लगाया और इस पे भी एक सीधी लाइन खींच लेंगे, ये हमारा घुटने का हिस्सा होगा। और अब आपको अपने घुटने का निशान लगाना है, आपको घुटने का भी अराउंड में नाप लेना है। ये देखें इस तरह से, जैसे कि मेरा घुटना है 8 इंच, 16 इंच है राउंड में और उसका हाफ होगा 8 इंच, उसमें मज़ीद 1 इंच प्लस करेंगे क्योंकि आधा आधा इन दोनों साइड से सिलाई में दबेगा, इसलिए ये बन गया 9 इंच। आपके घुटने का टोटल राउंड घुटने का जो हाफ होगा उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। मेरा 16 है, 16 का हाफ हुआ 8 और उसमें 1 इंच प्लस करने के बाद ये 9 बना। उसके बाद 4.5 इंच मैंने इस दरम्यान वाली सिलाई से इस साइड पर और 4.5 इंच उस साइड पर रखते हुए ये देखें घुटने का निशान लगा लिया है, आपको नज़र आ रहा होगा 4.5 इंच साइड पे और 4.5 इंच उस साइड पे। उसके बाद बॉटम कितना रखेंगे, जैसे कि मैं अपना बॉटम रखने वाली हूँ 15 इंच और उसमें 1 इंच हम सिलाई कर डालेंगे क्योंकि आधा इन दोनों साइड से दबेगा, तो हमारा बॉटम बन गया 16 इंच। इसलिए 8 इंच मैं इस साइड पर रखूँगी और 8 इंच ही उस साइड पर, जैसे कि हम नॉर्मली अपनी कैप्री पैंट की कटिंग के लिए भी करते हैं। ये देखें इस तरह से 8 इंच उस साइड पर और 8 इंच साइड पर रखते हुए ये हमारा बॉटम भी बन गया। अब यहाँ पे हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पे आगे हम अपनी शेप फुट्टी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आपके पास शेप फुट्टी ना हो तो आप हाथ की मदद से भी ऐसे निशान लगा सकते हैं, ऐसे जिस तरह मैं लगाऊंगी। अब हम अपनी शेप फुट्टी के अंदर वाले हिस्से को ये देखें इस तरह से रखेंगे और घुटने वाले हिस्से से आसन वाले हिस्से को मिलाया। और उसके बाद हम अपने नीचे वाला जहाँ पर हमने 8 इंच का निशान लगाया हुआ था उसके साथ देखें इस तरह से मिला लेंगे। ये देखें इस तरह से हमारी बेल बॉटम की कटिंग हो जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको चाक के निशान अच्छे से नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद अब ये देखें यहाँ पे भी हम अपने घुटने वाले निशान को नीचे जो हमारा पोंछे वाला निशान है उसको इस तरह से मिलाकर रखेंगे और यहाँ पे भी आसन के हिस्से तक भी से इस तरह शेप फुट्टी की मदद से थोड़ा सा गुलाई में रखते हुए मिला लेंगे। ये देखें इस तरह से मिला लिया और ऊपर से आपको बिल्कुल ये सीधा नहीं रखना। ये देखें यहाँ पे भी हम शेप फुट्टी को रखेंगे और यहाँ से चाहे आपकी थोड़ी सी हल्की सी भी गुलाई आए लेकिन आपको हल्की सी गुलाई दे लेनी है। देखें जिस तरह से मैंने दिया और अब ये हमारी गुलाई बन गई। अब ये देखें गुलाई बनाने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें मैं इसकी सिलवट अच्छी तरह निकाल लेती हूँ ताकि इसमें कोई सिलवट ना रहे। और अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। कटिंग के लिए आपको सबसे पहले नीचे जो पोंछे वाला हिस्सा है वहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को उतार देना है और उसके बाद आपको अपने निशानों के ऊपर से कटिंग करनी है। आपको मज़ीद कपड़ा सिलाई के लिए नहीं छोड़ना क्योंकि हमने जो मैंने आपको मार्किंग बताई है उसके अंदर ही हमने सिलाई के लिए कपड़ा छोड़ा हुआ है। ये देखें इस तरह से हमारे बेल बॉटम की कटिंग हो जाएगी। ये देखें यहाँ से भी ऐसे गुलाई में शेप देते हुए मैं ऊपर ले जाऊँगी और इस तरह से ये हमारी बेल बॉटम की कटिंग हो गई। और ये बहुत आसान है कटिंग करना, आप इसे ध्यान से समझिए और ध्यान से देखिए, मैंने बहुत आसान तरीके से बताया।
और यहाँ पे ये देखे मैं काट लगा दूंगी ताकि हमें बाद में फोल्डिंग में आसानी रहे। और मैं बता रही थी कि मैंने आपको आसान तरीके से बताया, फ्रंट और बैक मैनर बिल्कुल सेम, और इससे भी आपकी शेप काफ़ी अच्छी आएगी। जिन लोगों को उलझन होती है फ्रंट का हिस्सा कम बैक का ज़्यादा, उन्हें समझ नहीं आती, तो उनके लिए ये बहुत ही आसान तरीका है। अब हम सबसे पहले इसके आसन वाले हिस्से को सिलाई करेंगे और फिर हम साइडों से जोड़ेंगे। अब ये देखिए मैं अपने आसन वाले हिस्से पर आधा इंच छोड़ते हुए हम इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए जी, पहले मैंने एक साइड के आसन को लगा लिया, अब दूसरी साइड के भी आसन हम इसी तरह अटैच कर लेंगे। ये देखें दोनों आसनों को सिलाई लगाएंगे। आपको सबसे पहले आसन की सिलाई लगानी है, उसके बाद आप बाकी का बेल बॉटम सिलाई करेंगे। ये देखें दोनों आसन को सिलाई लगा ली। दोनों आसन को सिलाई लगाने के बाद आपको क्या करना है, आपको इस एक साइड को इस तरह से ये देखे खोलना है कि ये देखें ये इसकी राइट वाली साइड है। इसके ऊपर हम अपनी दूसरी राइट वाली साइड को यानी कि सिलाई की सीधी साइड को इस तरह आपस में मिलाते हुए रखेंगे। और अब हम इसकी जो साइडों पे सिलाइयाँ आती हैं वो सिलाइयाँ लगाएंगे। ये देखें ये वाली, ये साइड वाली सिलाइयाँ अब मैं लगाऊंगी दोनों की। ये देखें इस तरह से हम बराबर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। चलो मैं अब लगा के दिखाती हूँ। अब ये देखें यहाँ पर भी हम तकरीबन आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था हमने ऊपर से वेस्ट के अलावा बाकी नीचे हर जगह एक एक इंच, घुटने में भी, पोंछे में भी और आसन में भी एक इंच कपड़ा ज़्यादा रखा था, क्योंकि आधा आधा इंच हमारा दोनों साइडों से जाएगा। अब ये देखें आधा इंच की मैं सिलाई लगा लूँगी फुल नीचे तक पोंछे तक। ये देखें इस तरह से ये हमारी फुल नीचे तक सिलाई लग गई। आपको ये सिलाई लगाने के बाद अपने सिलाई को ये देखें इस तरह से खोलना है राइट साइड पे, और खोलने के बाद यहाँ पे एक किनारी पे यानी कि सिलाई के ऊपर एक किनारी पे सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई अगर आप ना भी लगाना चाहें तो आप ना लगाएं, लेकिन ये सिलाई दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है और इससे ऐसा मालूम नहीं होता कि जैसे आपने कोई जोड़ लगाया है, बल्कि ये अक्सर हमारी जो कैप्रीज वगैरह होती हैं उनकी साइडों पर ये सिलाई लगी होती है। कुछ लोग तो ये शौक़ से लगाते हैं और मैं भी अपने शौक से लगा रही हूँ। अगर आप ये सिलाई ना भी लगाना चाहें बल्कि जो पहली सिलाई लगाई है वैसे ही रखना चाहें तो आपकी चॉइस है। ये देखें इस तरह से एक साइड को जैसे हमने जोड़ा है इसी तरह हम दूसरी साइड को भी इसी तरह मैं जोड़ लेती हूँ। और उसको जोड़ने के बाद हम ये देखें जो मैंने कट लगाया था यहाँ से हम अपने कपड़े को, एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। ये देखें अंदर की तरफ मैंने आधा इंच कपड़ा दबाया है और तकरीबन ये हमारा 1.25 इंच चौड़ा मैंने बॉटम फोल्डिंग किया है। आप इससे कम या ज़्यादा करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी। अगर आप इससे ज़्यादा बॉटम की फोल्डिंग करने चाहते हैं तो आप कटिंग के टाइम कपड़ा भी उतना ज़्यादा रखेंगे। जैसे कि मैंने 2 इंच रखा था और तकरीबन आधा आधा इंच या 1.25 इंच अंदर की तरफ फोल्ड किया है। और ये देखें इस तरह से मैं अपने दोनों बॉटम्स यानी कि पोंचों, दोनों पोंचों को सिलाई लगा लूँगी। ये देखें इस तरह से, आप चाहें तो आप इसे हैंड स्टिच यानी कि तरपाई भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। और सिलाई लगाने के बाद आपको क्या करना है, ये देखें ये जो हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसकी कटिंग कर लेंगे दोनों साइड से यानी कि पोंछे के दोनों साइडों पे। ये देखें मैंने एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दी। कटिंग करने के बाद हम अपने पोंछे को इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखें इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर आधा इंच छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था आपको अपने बेल बॉटम के अंदर आधा इंच ही की सिलाई लगानी है, बल्कि इसे ज़्यादा कपड़ा अंदर नहीं देना, क्योंकि हमने कटिंग के टाइम भी 1 इंच ही रखा था। अगर आप चाहते हैं कि आप अंदर कपड़ा इसे थोड़ा सा ज़्यादा अगर देना चाहते हैं तो आप कटिंग के टाइम उतना कपड़ा ज़्यादा रख सकते हैं ताकि आपकी फिटिंग वगैरह में कोई मसला ना आए। और अब हम इसे बिल्कुल बराबर करते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। ये हमारी सिलाई नाली की सिलाई है, ये देखें इस तरह से। और अब ये हमारा आसन वाला हिस्सा आ गया। आपके दोनों आसन इस तरह बिल्कुल बराबर आपस में मिलने चाहिए और यहाँ से आप सिलाई को सीधा ले जाएंगे। ये देखिए इसी तरह हम सीधी सिलाई को गुजर जाएंगे इस तरह से, और दूसरी साइड पे भी हम आधा इंच ही छोड़ेंगे सिलाई में, मतलब आधा इंच दबाएंगे। और अब ये देखें हमारा दूसरा पोंचा आ गया है, इसके भी एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर ली और इनको बराबर करते हुए हम अपनी सिलाई को पक्का कर लेंगे। ये देखिए मैंने सिलाई को पक्का कर लिया। सिलाई को पक्का करने के बाद आपको नेफे की फोल्डिंग करनी है। ये देखिए ये नेफे वाला हिस्सा है। नेफे में हम पहले आधा इंच फोल्ड करेंगे
अंदर की तरफ और फिर मज़ीद तकरीबन 1.5 इंच ये देखें इस तरह से फोल्ड करेंगे और किनारी पे सिलाई लगाएंगे। क्योंकि हमने एक्स्ट्रा कपड़ा 2 इंच छोड़ा था तो इसलिए हम अंदर की तरफ 1/2 इंच और ऊपर ऐसे नेफा 1.5 इंच का फोल्ड करेंगे। अगर आप इसमें इलास्टिक भी लगाना चाहते हैं तो आपका इसमें आसानी से इलास्टिक आ जाएगा, ये देखें इस तरह से। और अगर आप इसमें इलास्टिक नहीं यानी कि नाला या कोई सिंपल इलास्टिक डालना चाहते हैं जो बिल्कुल सादे इलास्टिक होते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। इसी तरह ये देखें मैं नेफे की फोल्डिंग करती जाऊँगी और हम सिलाई लगाते जाएँगे, ये देखें। और यहाँ पर मैं हल्का सा सिलाई को नीचे गुजार के सुराह उतारता हूँ। उसके बाद ये देखें इस तरह से हमारी बेल बॉटम की शेप आएगी और ये काफ़ी अच्छे से सिलाई हो गया और इसकी शेप भी काफ़ी अच्छी से आई है। जैसे कि मैंने थंबनेल पे पिक लगाई है ये बिल्कुल दिखने में भी पहना हुआ ऐसे ही लग रहा था, बहुत ही अच्छा। ऊपर मैंने इलास्टिक भी डाल लिया है। मुझे उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।